देश विदेश में वसदे समूह दर्शकों का स्वागत है चैनल पॉलिटिक लाइव ते मैं साहिब सिंह नाभा। दो जानकारियां बहुत ही अहम जानकारियां। पहली जानकारी लाल किले ते 26 जनवरी नूं केसरी निशान साहिब लहराउण वाले नौजवान भाई जुगराज सिंह दी दिल्ली दी मानयोग अदालत वल्लों अगाऊ जमानत मंजूर होण दी सूचना मिली है। दल खालसा दे सकत्तर जनरल कंवरपाल सिंह उन्होंने दस्सिया कि जुगराज सिंह दी अगाऊ जमानत वास्ते दल खालसा वल्लों चाराजोई की जा रही सी ते मानयोग अदालत वल्लों 20 जुलाई तक की जमानत मंजूर की गई है। जिक्रयोग गल है कि जिस दिन तो लाल किले वाली घटना हुई है उस दिन तो बाद किधरे भी जुगराज सिंह उन्होंने उग सुग नहीं सी। पूरी कौम इस बारे चिंतित सी पर जिवें ही उन्हां दी जमानत संबंधी जानकारी मिली तो जेकर मीडिया की गल की जाए खास करके सोशल मीडिया की तो किते भी ये खबर प्रमुखता नाल नहीं दिती गई। तो अगे गल करिए जेकर लखे सधाणे होना दी जिन्हां दे सिर ते 1 लख रुपए का इनाम भी रख्या होया सी उन्हां दी अगाऊ जमानत हो गई है, उन्हां नूं जमानत मिल गई है। इत्थे जिक्र करन वाली खास गल ये भी है कि उन्हां नूं बिना अरैसट किए ही ये जमानत मिली है। जिस दौरान ये जमानत हुई है उस तो बाद च प्रैस कानफ्रेंस के दौरान संबोधन करदिया जिथे मनजिंदर सिंह सिरसा होना दे काम की सलाहना भी हुई पर उत्थे लखा सधाणा होना ने नपे तुले शब्दों की वरतों की। जेकर वीडियो नूं ध्यान नाल वेख्या जाए तो उत्थे ही जिहड़े कि मनजिंदर सिरसा लगातार कोशिशां कर रहे ने काफ़ी ज़्यादा जिहड़े बंदी नौजवान सन उन्हां दी रिहाई भी संभव हुई है। पर कितना कितें जेकर राजनीतिक पक्ष तों वेख्या जाए तो इस वीडियो दे विच काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा श्रोमणी अकाली दल बादल नाल मुख तौर पर आगू के तौर पर दिल्ली दे विच विचर रहे ने। तो जेकर सिरसा होना की गल की जाए जिहड़ी पिछले दिनी लड़की एक मुसलमान नौजवान द्वारा अगवा करके उस नाल जबरदस्ती निकाह करन दी कोशिश की गई सी जिवें ही वह वापस आई तो उत्थे सिरसा होना का जिहड़ा कहना सी वह अलग तरह का सी। इस दे नाल ही जिहड़े सरना भरा ने उन्हां दी भी तुहानू इत्थे ही वीडियो विखा रहे जिस दे विच उन्होंने दोष लाया सी कि कुछ लोग नफरत फैलाउण दी गल कर रहे ने भाईचारे दे विच नफरत फैला रहे ने। जिहड़ी उक्त लड़की सी उसकी पहले ही जसप्रीत सिंह हुणा नाल शादी तय सी जिथे इस गुरसिख नाल शादी हुई तो इस दे नाल ही सरना हुणा ने यह भी दस्सिया कि बेशक वह मुस्लिम देशों दे विच वड्डे पद्धर ते उन्हां दीआं फैक्ट्रियां ने वह व्यापार करदे ने पर अरब देशों वल्लों उन्हां नूं खास करके सारी सिख कौम नूं पूरा अदब सत्कार दिता जांदा है। उन्हां दा इशारा शायद किसी प्रमुख आगू वाल। इस दे नाल ही सरना होना ने एक खास गल का जिक्र किया वह काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि जिथे कश्मीर ते जम्मू दे विच 5 लाख दे लगभग हिंदू रहिंदे ने उन्हां नूं रिजर्वेशन दा फायदा मिल दिता जा रहा है उत्थे ही सिखां दी जेकर गल कीती जावे जिथे सिखां दी गिणती 2.5 लाख दे नेड़े तेड़े वे पर रिजर्वेशन दा फायदा सिर्फ हिंदू ब्राह्मणा नूं ही दिता जा रहा है जदों कि सिखां नूं नहीं। ते आओ वेखदे हां पूरी गलबात सरना भरा ते इस दे नाल नाल लखे सधाणे ते सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा होणा ने की कहा। संगत नूं अते बुलाउणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की अपार कृपा सदका मैनूं लगदा कि पहली बारी है 26 तो बाद 25 तो बाद कि आपां सीधे रूबरू होए हां। वैसे वीडियो पा के रूबरू हुंदे रहे हां पर आपां सीधे जुड़े हां अज्ज ते इक मुकदमे दे विच मैनूं शामिल तफ्तीश होण लई कहा गया सीगा उहदे च अज्ज मेरी जिहड़ी पुछ पड़ताल हुई है। एक मुकदमे की तरीक जी 3 तरीक लगी हुई है। तो सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा उन्हां मेरियां पंजाब दियां हजारां लखां मावां भैणां दा जिन्होंने इन्ना माण सत्कार दिता। इतों तक कि जो मैं पंजाब के पिंडां 'च बोलन जांदा सी तां कई मावां इह कहिंदियां सी कि पुत देसी घिओ इकट्ठा करी जांदियां जिद्दे तू फारग हो के आया दिल्लियों केसां 'चों प्रसाद बना के सारे पिंड च वंडा जां कई मावां भैणां इहो जिहियां वी सी जिहड़ियां कहिंदियां सी तली अरदास करदियां गुरु घर जांदियां अखंड पाठ भी कईआं ने सुख्या होया सी। मैं समझदा कि इह उहनां दीआं दुआवां सदके ने जां हजारां उह नौजवान जिहड़े हमेशा माड़े वक्त भी मेरे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ के चाहे कितें रैली लई सद्दे चाहे कितें होर काम लई सद्दे पर उह खड़दे रहे उहनां बजुर्गां दा आशीर्वाद हमेशा सिर ते रहा हथ रहा जिन्हां ने इह वी कहा जो एक जहा वक्त आया शाजली थाने अगे जो संगरूर जिले च आए हैं तो
पुलिस ने घेरा पा लिया सीगा ते बजुर्ग अगे हो गए सी तां साजली थाने मूहरे धरना लगे हुआ सी। एक बजुर्ग आउंदा ते मैं थाने मूहरे चलिया जांदा ते एक बजुर्ग कहिंदा आ आ गया फड़ के दिखाओ। सो इह सी हौसला जिहदा सदका मैं हुण तक रूपोश हो के लख रुपये का नाम भी सिर ते सीगा पर मैं पंजाब च अंदोलन लई घोल लई विचरदा रहा। सो उहनां दा सारिआं दा बहुत तहि दिल नूं मैं शुक्रगुजार हाँ, धन्नवाद जी हाँ। अगला धन्नवाद मैं करदा जिन्नी भी वकील भरावां दी टीम आ जिन्हां ने जदों 26 नूं इह सारी घटना वापरदी आ पुलिस छद्दर ढाउंदी आ साडे मुंडिआं नूं कुट्टिआ जांदा जेलां 'च तुन्निआ जांदा तां नाल दी नाल गुरद्वारा साहब घट्टो घट 200-250 वकील इकट्ठे हुंदे आ ते उदू बाद उह फैसला लैंदे आ कि कोई किसे तों पैसा नहीं लैणा आपदी जेब 'चों पैसे लावांगे जिहड़े माड़े मोटे कागजां पत्तरां ते लगणगे। तां उहनां ने इह सारी सेवा कीती आ मेरे नाल सारी टीम खड़ी है। इधर मेरे नाल बाई खड़े ने अजीतपाल मंडेर जी जो भाई रूपे तो ने इन्होंने लगातार थल्लों मेरे नाल लगातार राबते च रहे कागज पत्र तैयार करते रहे। उस तो बाद जेडे सीनियर एडवोकेट ने रमेश गुप्ता जी चेयरमैन ने जेडे वार कौंसल दे राकेश चाहर जी सैकटरी ने जेडे वार रोहिणी दे जसप्रीत राय जी खड़े ने बई वीर संधु जी खड़े ने जसदीप ढिल्लों जी खड़े ने रविंदर कौर मैडम चले गए आ हाकम खड़ा बई नाल अपने संकल्प कोहली कपिल मदान इकबाल ढिल्लों अमनदीप ढिल्लों सारी जिनी कानूनी टीम सीगी लीगल टीम सीगी दिल्ली श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी उन्होंने सारिया ने प्रदीप कोहली सारिया ने जोर लाया बई कोई किसे तो पंजी नहीं लई जिहड़े भी कागजां दे पैसे लगे ने सारे वकीलों ने जिवें जिवें लाए आ किसी ने 10 लाए किसी ने 5 लाए किसी ने 50 लाए ने अपने कोलों लाए मेरे के संबंध तो मैनू यही पता लग्या बाकी दस देणगे भी बाकी के संजंदा ने किवें कीता मैनू पर इत्थों तक पता लग्या भी किसे केस दे विच कोई पैसा नहीं लखा जी जिहड़ी जमानतां भी ने ना ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ 50-60 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਖਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੀ ਗਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਿਆਂ ਲੜਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ 110 ਜਮਾਨਤਾਂ ਜੀ 160-161 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲਰ ਜਮਾਨਤਾਂ 110 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ
कौमी कोई फर्ज हुंदा है जां कौम दी गल हुंदी है जां पंजाब पंजाबीयत दी गल हुंदी है उदों इह जिहियां चीज़ां सिखण दी लोड़ हुंदी है कि असीं पार्टियां तों उपर उठ के कौम ना खड़ीए अपने लोकां ना खड़ीए हमेशा उही कौमां जितदियां ने जिहड़ियां फिर जदों संकट 'च होवे ना कौम ते धड़ेबाजियां छड्ड के फिर आपां सिर जोड़ लईए अज्ज आपां बहुत धड़ियां 'च फसे होए हां अड्डो अड्डी कोई किसी का किधर नमूह है किसी का किधर नमूह है सो अज जो आप चाहते हैं पंजाब पंजाबीयत को बचाना तो सानू सारे धड़ियां नू छड्ड के सब तो पहला पंजाब बारे सोचना पैना पंजाबीयत बारे सोचना पैना अपनी कौम बारे सोचना पैना सो यही मेरिया गल्लां बातां सी हुण भाई तुसीं खड़े हो कोई सवाल जवाब मैं तुम दो तीन गल्लां कहना चाहना जरूर एक तो मैं तुम सब ने दसना चाहना है कि वाहद हुण तक का मैं तुम इतिहास की गल दसन लगा है अगर तू पिछले 40 साल जो नज़र मार के देखोगे ते दिल्ली का वाहद एक केस आ जिदे अंदर सिर का नाम रखा गया हो बंदे की बिना पुलिस को अरैसट किए जमानत तो ही कोई रिकॉर्ड च देख नहीं है मैं तुम दसना चाहता रिकॉर्ड भी ऐसा कोई नहीं है किसी रिकॉर्ड को यह नहीं कह सकता कि फलाना एक बंदा जिदा सिर का नाम रखा गया तो बिना पुलिस के अरैसट किए जमानत तो ही हो गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा हुई है गुरु साहब की बख्शिश हुई है सो मैं पहला तो गुरु साहब धन्यवाद करता दूजी गल मैं लखा जी के सारे भावनावान की बड़ी कदर करदा पर मैं एक गल जरूर कहना चाहना है कि तुहाडा किसी नाल जिन्ना मर्जी आंकड़ा रहा होवे पर असी एक पार्टी नाल जुड़े लोग हैं पर असी पार्टी नूं साडी पार्टी ने भी मैं गुरु साहब की हाजिरी से गल तुहानूं लखा जी जरूर कहना चाहुंदा साडी पार्टी ने भी अज तक सरदार सुखबीर सिंह बादल सानूं अज तक एक वारी गल नहीं कही बई तुसीं किसी बंदे की फलाने बाई नेम भी फलाने की इमदाद करनी है या नहीं करनी क्या करनी आ और मैं तुहानूं भी इह गल दसी तुहाडे आपस अंदर 100 विचार होणगे देखो अपनी कम्यूनिटी जिहड़ी आ उहदे लखां तरहां दे विचार रहणगे आडेर वडेरे रहने अपने वंडे रहना आपां पर किते ना किते आके जदों आपां अपनी कम्यूनिटी की गल करते हैं उदों आपां नूं गुरु साहब की बख्शिश अपने ते कि आपां एकजुट हो जाने हैं और इसी लड़ाई के कारण अपनी जित भी ताई हुई कि सारे ने पार्टी उपर उठ के एक ने नहीं मेरे वर्गे होर भी कई नेकां ने जो मैं अजे भी दसना चाहना है कि जेडे वकील से ना जी उन्होंने वकीलों च भी कई कांग्रेसी सोच वाले करजन के सोच वाले बीजेपी की सोच वाले से कोई समाज हर तरह की सोच के लोग होंगे ने पर मैनू इस गल की बड़ी खुशी आ कि किसी ने भी वो अंदर अपनी निजी सोच को नहीं रखिया सो मैं तुम्हें एक बेनती करूँगा तुहाडे लख वखरेवे रहन पर जो असी किसी प्लेटफॉर्म से खड़े होइए उदो आप इस गल भुल जाइए कि तुहाडी किहदे नाल लड़ाई रवे तुहाडी लड़ाई पर उस वेले आपां अपने मन दियां सारियां उन्हां गल्लां नूं भुल के केवल एक टीचे ते रखिए भी साडी सोच की आ जिस किसानी दे पिछे असी सारे खड़े होए आ जे तो उस चीज़ की लड़ाई होनी चाहिए आ मैं इस गल की जरूर कहना चाहना कि देखो कहन नूं बड़ा सौखा हुंदा है एडिया वड्डियां लड़ाइया लड़निया रूपोश होकर लड़ाइया लड़निया और यह भी पता हो घर के भरा भी चुकया गया हो सुभाविक तौर पर परिवार तो सब ने साडे तुहाडे वर्गे सब दे माँ प्यो सब नूं इस तरह चिंता होंदी है घर वाले बच्चे गल नूं भी आउंदे हां एक मैं सिर साहब यह भुल गया सी जिदे मेरे भरा नूं इहदे चाक के पुलिस ने लिया कुटमार की है तो मैं इन्हां नाल संपर्क किया कि इहनां नूं टाइम दिओ असीं पता करदे हां क्योंकि पता लग ही नहीं सी रहा भी चक्या कीने आ की गलबात आ है ना सो ज मैं यही गल कहना चाहता भी जदों ही मैं फोन करता सी किसी भी मुंडे बारे जो पंजाब का कोई मुंडा चक्या जाता तो नाल दी नाल ही फौरी हरकत करते सीगे हरकत चाहते सीगे ते नाल दी नाल कोई ना कोई गल कढ के दस दिंदे सी सो इस करके मैं कहना कि पार्टी तो उपर उठ के थोड़े नाल असीं थोड़े सलाहा भी इस करके कर रहे हैं कि तुसीं उपर उठ के काम कीता चाहीदा भी है ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇਵੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮੋਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿਓ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਜੂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਗਾਇਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਲੱਖਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਝੁਕਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਈਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਪੱਤ ਰੱਖੂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜਦੇ ਖਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੀਏ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਬਾਈ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨਾ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਬਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਮੜਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਮਨਾਰਟੀ ਕਮਿਟੀ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਰ ਵੈਜ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਸੇ ਉਨਸੇ ਹੋਈ ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਵੋ ਹਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਂਗੇ ਔਰ ਹਮਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾ ਹੈ 520 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਥੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਏ ਥੇ ਤਬ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਕੁਛ ਚੰਦ ਘਟਨਾਓਂ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਇਨਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਰਹੇ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਰਹਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਤਸਕੀਨ ਥਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਂ ਔਰ ਯੇ ਵਹਾਂ ਕੋਲ 1% ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੋ ਸੇਫ ਅਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਭ ਸੇ ਮਿਲਾ ਔਰ ਮਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਯੇ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ
लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है। हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। और ये मैं दुआ करता हूँ कि ये हमारे जो संबंध हैं ये हमेशा टिके रहें। मैंने उन सबको ये भी बोला था कि हम क्योंकि बौद्ध मनाटी में हैं इसलिए आपने हम लोगों का भी ख्याल रखना है, कानून से कोई किसी को ख्याल नहीं रख सकता है, आपसे ही मोहब्बत और भाईचारे से ही एक दूसरे की बात रखी जा सकती है और बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारा संदेश लेके मैं आया हूँ, हमें इस बात की खुशी है। जाति तौर पर मेरा मुसलमान भाइयों से संबंध इसलिए ज़्यादा है कि मेरा काम जो है वो सारा अरब मुल्कों में है, और जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने श्रीनगर से शुरू किया था। मुझे को याद है सोरा एक जगह थी इसके आगे, वहाँ पर मैं फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर मैं जाता था, तो इसलिए मेरा संबंध पुराना है, मेरे को हर बात का इल्म है, मेरे को गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए पाकिस्तान भी जाना पड़ता है, पिछले 22 साल से मतवातर में जा रहा हूँ, ये कोरोना की वजह से नहीं जा सका, वरना तीसरे चौथे महीने हम अपने गुरुद्वारों की देख रेख के लिए हमें पाकिस्तान भी जाना पड़ता था। तो मैं हर कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को, इस्लाम की छोटी मोटी जो बहुत ज़्यादा दुनिया थे सब बातें मैं समझता हूँ और जानता हूँ। मेरा साल में 4 महीने अरब मुल्कों में व्यतीत होते थे, तो मैं ये गुरदास करना चाहता हूँ आपके जरिए से कि जो भाईचारा इन दोनों कम्युनिटीज़ का है वो हमेशा बना रहे, और जो आप बड़े भाई के तौर पर यहाँ हैं इनको हमारा ख्याल रखना, आगे भी आपने रखा है आगे भी आपने रखना है, ये गुजारिश करने के लिए मैं आया। साहब आपने अभी बोला कि शादी हमने, वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत को, मनमीत और के साथ की जो लड़की थी। सर कल एक वीडियो वायरल हुआ ये, तो हमने ये दरख्वास्त की थी कि कश्मीर में पंडितों की गिनती 5 लाख के करीब है, जम्मू कश्मीर में, और चलो हमारे मुंह में कश्मीर में लगता है जम्मू कम निकलता है, सिखों की आबादी 2.5 लाख के करीब है। जब पंडित लोगों को रिजर्वेशन मिलता है हर चीज में तो सिखों को क्यों ना मिले, ये इससे पहले डोगरा परिवार से आने से पहले ये सिखों खालसा रियासत थी, ये जो कश्मीर थी महाराजा रणजीत सिंह का राज था जिसके राज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, तो उसके बाद हमारे सिख भाई यहाँ बसे हैं तो इनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो एक इनकी जगह है तकरीबन हमारे 10 एकड़ से ज्यादा मिलती है, 81 कैनाल जगह है बर्तना, वहाँ पे जो है कुछ तो इनके पास है कुछ काश्तकारों के पास है, पर हम कानून के मुताबिक उनको उनका मुआवजा दे के वहाँ पे वापस लेना चाहते हैं, ताकि हम जितने भी सिख जहाँ भी किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र वालों ने भी कहा है, हम दिल्ली में भी कर रहे हैं कि एक अस्पताल ऐसा बनाया जाए जो दिल्ली के बड़े अस्पतालों से भी ज़्यादा बड़ा हो, जगह क्योंकि वहाँ बहुत है, हम यहाँ अस्पताल दिल्ली के सहयोग से जो वहाँ का मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, फोर्टिस है, बीएल कपूर है, ऐसा अस्पताल हम यहाँ श्रीनगर के पास बनाना चाहते हैं ताकि समुची जहाँ के रैयत को उसका लाभ मिल सके। सरदार जी मैं एक सवाल, मैंने अपने जनाब आले मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले और भी मिले, जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं जो हमारे में बात थी उसकी मैं कत नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं
मैं सख्त निंदा करता हूं, हालां मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उसने बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो या कि रैयत को ही हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं तो मैं उसके कही हुई बात के भी आपसे माफी मांगता हूं। जो हमारे साथ नहीं दिखे, नहीं नहीं दिखे, ये साथ में बैठे हैं हमारे साथ, हमारे हाँ जी, हाँ जी, जो जगमोहन रहना, हाँ जी दिखे हमारे साथ, के रात को 11:30 बजे कोर्ट परमिशन से उस लड़की को, परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है, बगैर उस रिलेशन से मैं यहाँ आ कैसे सकता था, आपको मैं कैसे सकता था। नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है, जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हम हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है, हमें जरूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती के लिए पूरी मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये क्लेम किया गया कि फोर्स को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है लड़की को मैरिज के लिए, और उस कोर्ट में भी जो बयान उसने दिया था लड़की ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उसने शादी की है अपनी मर्जी से। अब अगर शादी हो चुकी थी तो आज उसकी शादी कैसे हुई? क्या नहीं, नहीं। कन्वर्ट हुई थी, शादी नहीं हुई थी, शादी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हुई होती, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता, नहीं सौंपता कभी भी। शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। इससे पहले भी जो आप बोल रहे हैं फोर्सफुली शादी कैसे करवाएगी, आप देखिए कोर्ट परमिशन के अंदर, कोर्ट परमिशन के अंदर जब हम गए, जिस दिन लड़की को कोर्ट में पेश किया गया, लड़की लड़के के पूरा परिवार कोर्ट के परमिशन के अंदर था, ठीक है जी, लेकिन लड़की के माँ बाप को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आप खुद बताइए, जब लड़की के माँ बाप अंदर नहीं थे, जज साहब ने फैसला कैसे सुना दिया? उन क्या जज साहब को लड़की के माँ बाप की, लड़की की माँ की दो बातें सुननी नहीं चाहिए थी? ये कौन सा फैसला है? सरदार साहब, अब हम मान लेंगे जो मसला, देखिए ऐसा है, एक आदमी बोल ले प्लीज, हाँ उसका ऑपरेशन हुआ है, हाँ राइट प्रेशराइज है वो, एक मिनट यार, यार सुन दे यार, बिल्कुल दिया हमने, हमारे जहाँ हमारा संपर्क हुआ है, हमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ने साथ दिया, कोर्टों ने आश्वासन दिया ऐसा किसी भी इंसान से। यहाँ लास्ट में बता दूं, कोर्ट के बाहर हम जब पुलिस से गुहार लगा रहे थे लड़की के लिए, वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी गुहार लगाई कि इस लड़की को माता पिता के हवाले कर दिया जाए। मुजरिम रुक जाता है, मेरे इस बात का जवाब दीजिए, हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ, हमारे साथ कोई जाती हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है, हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका है, नाम है उसकी कोई ऐसी बात। सरदार साहब क्या कैसे शादी हो जाएगी? अपने आप लड़की गई है, अब लड़की अपने आप आई है, वापस अपने घर गई है। देखिए फोर्सिबली हम कुछ भी कर रहे हैं, तैयार नहीं, हम कौन होते हैं फोर्सफुली कुछ करवाने वाले? फोर्सिबली हमारे धर्म में सख्त बनाई है।